हे गाइस नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होंडा हाइनेस CB350 के बारे में। तो यहाँ हम इनोवेटिव होंडा आए हुए हैं जो कि CG रोड अहमदाबाद में है। तो यहाँ पे होंडा का हर एक बाइक आपको मिल जाएगा, तो टेस्ट राइड के लिए भी अवेलेबल है और साथ में देखने के लिए भी अवेलेबल है। तो अगर आपको फाइनेंस भी करना है तो आप यहीं शोरूम से कर सकते हो। तो काफ़ी बड़ा शोरूम है यहाँ पे CG रोड पे, तो आप यहाँ पे आ सकते हो और बाइक्स वगैरह देख सकते हो और साथ में टेस्ट राइड भी कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से हम अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे होंडा के हर एक बाइक अवेलेबल है और जो होंडा हाइनेस CB350 है उसके भी दोनों मॉडल अवेलेबल है, जो एक हमारा डीलक्स मॉडल है और एक डीलक्स प्रो मॉडल है। तो दोनों मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोनों मॉडल के प्राइसिंग क्या है, क्या डिफरेंस है, तो सभी मॉडल के बारे में आज हम बात करेंगे और जितना हो सकेगा उतना जो भी कलर यहाँ पे अवेलेबल है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा दोस्तों। अगर हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा दोस्तों। तो आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करते रहिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बाइक के फ्रंट लुक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मेन हेडलैम्प है वो आपको LED देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा है। अभी मैं आपको चालू करके भी दिखाऊंगा। तो साथ में जो टर्न इंडिकेशन है वो अभी आपको LED देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आगे का जो फेंडर है वो भी आपको क्रोम कोटेड देखने को मिलेगा। और यहाँ पर डिस्क ब्रेक, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर और आपको इसमें ड्यूल चैनल ABS मिलेगा। तो यहाँ ABS के साथ मिल रही है ये बाइक, तो काफ़ी अच्छा है और ड्यूल चैनल है। तो आगे का टायर हमारा 19 इंच एलॉय व्हील्स ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर कर रही है MRF के, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे फोक सस्पेंशन, तो सस्पेंशन वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे जो ये क्रोम का गार्निशिंग है आगे के हेडलैम्प पे वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसका स्पीडोमीटर, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है आगे से। फ्रंट लुक इस बाइक का बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आई कैची बना के रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे इंजन सेक्शन, ये हमारा बैटरी और फिल्टर सेक्शन, और ये हमारा बैक फेंडर, टेल लैंप्स, एग्जॉस्ट सिस्टम हमारा। तो ये हमारा डीलक्स मॉडल है। तो होंडा हाइनेस 350 आपको दो मॉडल में अवेलेबल है, एक डीलक्स, तो ये हमारा डीलक्स मॉडल है, और ये हमारा डीलक्स प्रो मॉडल है। तो दोनों मॉडल्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े छोटे मोटे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ा चेंज है यहाँ पे, इसमें आपको ड्यूल हॉर्न मिलने वाला है, तो क्रोम कोटेड है। तो डीलक्स मॉडल में आपको सिंगल हॉर्न मिलने वाला है, तो सिंगल हॉर्न है और वो क्रोम कोटेड नहीं है। तो ये मेन डिफरेंस मुझे देखने को मिल रहा है। और भी डिफरेंस हो गए तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो काफ़ी अच्छा बाइक लग रहा है, आप देख सकते हो। तो ये बाइक रॉयल एनफील्ड की मीटियोर को सबसे बड़ा तगड़ा चैलेंज देने वाली बाइक है। तो यहाँ बाइक का बैक लुक देखते हुए, तो बैक लुक ऑलमोस्ट दोनों बाइक का सेम है। आप देख सकते हो कि हमारा डीलक्स प्रो मॉडल है, वो हमारा नॉर्मल डीलक्स मॉडल है, तो दोनों बाइक में कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अगर मैं टेल लैंप्स की बात करूँ तो आपको पुरानी रॉयल एनफील्ड आती थी उसी तरह का कुछ टेल लैंप्स देखने को मिल रहा है। और दोनों साइड बहुत ही खूबसूरत टर्न इंडिकेशन, तो यहाँ पर भी आपको क्रोम का गार्निशिंग देखने को मिलेगा। तो बहुत जगहों पे यहाँ पे क्रोम का गार्निशिंग ज़रूर देखने को मिलेगा आपको साथ में। तो यहाँ साइड से देखते हुए बाइक को, तो 350 CC का आपको इसमें एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा। पावर आउटपुट फिगर की बात करूँ तो मैक्सिमम पावर आपको इसमें 20 BHP का मिलेगा और मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें 30 BHP का मिलेगा। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पेंट्स वगैरह का क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। पूरा ग्लोसी फिनिशिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर होंडा का बेंच मार्क, और यहाँ पर भी क्रोम का कोटिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा क्रोम का कोटिंग यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत लग रहा है। क्वालिटी में ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ में यहाँ पे फुट पैक, तो ये हमारा ब्रेक लीवर, और ये हमारा पिलियन फुट पैक। तो एग्जॉस्ट वगैरह भी आपको क्रोम ही मिलने वाले हैं इसमें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ में यहाँ पे फिल्टर कंपार्टमेंट के ऊपर हाइनेस CB350 का बेंचमार्क देखने को मिलेगा, तो ये भी काफ़ी
अच्छा लग रहा है। ये हमारा ब्लैक कलर में है, तो सभी तरह के कलर्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है शोरूम पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ बारी बारी करके। बहुत ही परफेक्ट लग रहा है साइड से। तो यहाँ पर जो बैक फेंडर है उस पर भी पूरा क्रोम का कोटिंग देखने को मिल रहा है। तो पीछे का टायर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। ट्यूबलेस टायर कंपनी इसमें ऑफर कर रही है 130/70x18 इंच के इसमें ट्यूबलेस टायर है, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वाइड टायर है तो अच्छा रहेगा। और साथ में यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक ABS के साथ, तो इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS मिलने वाला है, तो काफ़ी अच्छा है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होगी इस बाइक की। तो अभी हम इसका टेस्ट राइड भी लेंगे और आपको उसका भी रिव्यू दिखाएंगे। और ये हमारा बैक सस्पेंशन, तो बैक सस्पेंशन हमारा हाइड्रोलिक है, काफ़ी अच्छा है, नॉन एडजस्टेबल है, आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो आपको एनालॉग में देखने को मिलेगी और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे डिजिटली शो करेगी। मैं तो आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा बाकी सारी नोटिफिकेशन आ रही है, जैसे कि साइड स्टैंड की नोटिफिकेशन है और ये हमारी ABS की नोटिफिकेशन है। तो अभी गाड़ी न्यूट्रल कंडीशन में है तो उसका भी नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे गियर में है तो अभी न्यूट्रल कंडीशन में, तो यहाँ पे N लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पे आप जो कितना किलोमीटर बाइक राइड हुए वो भी देख सकते हो और यहाँ पे टाइम का है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ में यहाँ पे नीचे आपको एक चार्जिंग पॉट भी देखने को मिल रहा है बाइक में, तो काफ़ी अच्छा है। बाइक के अंदर ही आपको चार्जिंग की फैसिलिटी मिल रही है, जो कि आपको आफ्टर मार्केट से लगवानी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा हैंडल बार यहाँ पे, तो हैंडल बार में भी आपको क्रोम का फिनिशिंग देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको होंडा का बेंचमार्क देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आते हुए तो ये हमारा डीलक्स मॉडल है, तो यहाँ पे हमको कुछ स्विचेस यहाँ पे नहीं मिलेगी, यहाँ पे ओनली ये हॉर्न का स्विच मिलेगा, साथ में टर्न इंडिकेशन का ऑन ऑफ करने का स्विच मिलेगा। और यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच और इस हैजार्ड लैंप ऑन ऑफ करने का स्विच देखने को मिलेगा। अगर हम डीलक्स प्रो मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा 4 स्विचेस मिल जाएगी, जिससे आप अपने जो मीटर है हमारा उसमें काफ़ी सारा फंक्शनिंग चेंज कर सकते हो, उस तरह का कुछ सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तभी यहाँ फिर से आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको राउंड शेप के मिरर देखने को मिलेंगे, क्रोम कोटेड है तो काफ़ी अच्छा है। जो क्लच है वो काफ़ी इजी लग रहा है मुझे, शिफ्टिंग वगैरह काफ़ी इजी होगा। साथ में यहाँ पे डिस्क ब्रेक वगैरह का, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है बाइक की। तभी मैं आपको आगे का हेडलैम्प और जो हेजार्ड लैम्प है वो भी ऑन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ब्राइट है, जो आगे का हमारा हेडलैम्प है वो LED हेडलैम्प है, तो काफ़ी ब्राइट है। साथ में ये जो इंडिकेशन आप देख सकते हो, तो ये इंडिकेशन देख सकते हो कि हमारा हेजार्ड लैम्प ऑन है, तो दोनों तरफ के ऑन रहेंगे। अगर हम साइड लाइट इंडिकेशन शुरू करते हैं अभी, तो आप देख सकती हो कि ये जो रिंग था वो बंद हो गया और ये ब्लिंकिंग शुरू हो गया है, क्योंकि हमने साइड लाइट का नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो अभी ये बंद कर देंगे तो ये हमारा ऑन का ऑन ही रहेगा। तो अगर मैं हेजार्ड लैंप ऑन ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, ये हेजार्ड लैंप मैंने ऑन कर दिया तो चारों चार हमारे ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगा। तो यहीं से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, नॉर्मल कंडीशन में हमारा ऑन का ऑन ही रहेगा। तो काफ़ी जगहों पे यहाँ पे क्रोम का यूज़ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी क्रोम का यूज़ है, आगे के जो दोनों फेंडर है वो भी क्रोम के यहाँ पे यूज़ हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिलेगा, जो हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम है उसके ऊपर ही आपको एक देखने को मिलेगा। और साथ में अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ तो आपको इसमें 15 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा और यहाँ पे होंडा का 3D बेंचमार्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फ्यूल टैंक का
जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा फ्यूल टैंक ओपन होगा, तो काफ़ी सिंपल है। तो ज़्यादा तो 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो काफ़ी अच्छा है। थोड़ा दिक्कत आ रहा है बंद करने में। तो ओवरऑल बाइक का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो आपको 800 mm का सीट हाइट है, तो सीट हाइट काफ़ी अच्छा है। तो थोड़े शॉर्ट राइडर हो गए उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो अगर मैं सीट की बात करूँ तो यहाँ पे कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, उतना सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा हार्ड मटेरियल है यहाँ पे। तो पिलियन के लिए भी काफ़ी वाइड है यहाँ पे सीट, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये बैक सपोर्ट भी काफ़ी मजबूत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप ये हमारे साइड ग्लास, तो वो भी काफ़ी क्रोम कोटेड है, तो क्रोम का यहाँ पे बहुत सारा यूज़ देखने को मिल रहा है बाइक में। तो ये हमारा ड्यूल टोन वाला कलर है जो डिलक्स प्रो में आता है, और ये हमारा मैट कलर है वो भी डिलक्स प्रो में ही आपको मिलेगा, और ये हमारा ब्लैक कलर है ये भी डिलक्स प्रो मॉडल है, और ये हमारा नॉर्मल डिलक्स मॉडल है। तो अभी ओवरऑल हम बाइक की बात करें तो बाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो ये बाइक रॉयल एनफील्ड की मीटियोर को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा चैलेंज करने वाला है, बाकी तो ओके है। और आप जानते हो कि होंडा के इंजिन्स वगैरह काफ़ी स्मूथ होते हैं, काफ़ी रिफाइन होते हैं, तो ये ज़रूर चैलेंज देगा मार्केट में आके। तो ज़रूर एक बार शोरूम का विज़िट कीजिए, यहाँ पे होंडा हाइनेस भी है, होंडा एक्टिवा भी है, शाइन है, होंडा की सभी वेराइटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी।